हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पर अपने खुद के स्टिकर को कैसे बना के उसे ऐड कर सकते हैं और अपने किसी भी फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी खुद की भी फ़ोटो के स्टिकर को बनाकर अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कई स्टिकर को बनाए हैं और यहाँ पर सेंड भी किए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ अपने स्टिकर वाले ऑप्शन में जाके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर स्टिकर बनाए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ पे शो हो रहे होंगे और मैं यहाँ पे किसी भी स्टिकर को सेंड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप भी स्टिकर बना सकते हैं। तो आपको स्टिकर कैसे बनाना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन पर जरूर टैप कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अपने स्टिकर बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, दोनों एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है फर्स्ट वाली एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको दोस्तों बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको काम आ जाएगी। तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जिस भी फ़ोटो का स्टिकर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फ़ोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डन कर देना है, और डन करने के बाद आपको ऑटो वाले ऑप्शन पे आना है और इसको यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर देना है। और आपको यहाँ पर ऊपर की ओर डन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे जाना है, सेव आपको कर लेना है, और जाना है बैक। तो आपको जाना है सेकंड वाली एप्लीकेशन में, इसके ऊपर आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इरेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जो आपने फ़ोटो जितनी भी आपने इरेज करी होंगे तो आपको यहाँ पे PNG में आपको यहाँ पर फ़ोटो मिल जाएंगी। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपके दोस्तों ये व्हाट्सएप में सभी दोस्तों PNG जो आपने बनाई है ये आपके व्हाट्सएप में जाके सेव हो जाएंगी। तो आपको जैसे आप स्टिकर वाला ऑप्शन में जाएंगे तो आपने जो यहाँ पर स्टिकर बनाए होंगे तो आपको यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने खुद के स्टिकर बना सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी फ़ोटो के भी स्टिकर को बना के शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन पर जरूर टैप कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।